एक सच्चा किस्सा बताता हूँ जो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक की जगह दो किस्से सुनाऊंगा मैं आपको। दोनों के दोनों ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए हैं। एक परा मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है और एक ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मेरे साथी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे साथी खूब कमा रहे थे, पेशेंट से पैसे लेते थे, और मैं पेशेंट से भुज्जी, ककड़ी, मुंगरी, मूला ये लेता कहता हूँ, ले आते थे, लेता नहीं था, ले आते कुछ। तो एक दिन क्या हुआ कि उसमें शुरू शुरू की बात है, जेब बिल्कुल कड़की चल रही थी, भाई लोग सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, जेब में पैसा नहीं था, तनख्वाह भी खर्च हो गई थी। तो एक पेशेंट मेरे घर में आया गांव का दिखाने के लिए, ककड़ी लेके आया, दो छोटी छोटी ककड़ियाँ लेके आया। मैंने घर में देखा उस बुढ़िया को, और देखने के बाद उसने दो ककड़ी रखी और चली गई। मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। उसके बाद मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा एक भी नहीं, ढेला भी नहीं है, तुम्हारे पास पेशेंट आ रहा है घर में, रात को उठ रहे हो, देख रहे हो उसको, पैसे तुमने लिया नहीं, इस दो ककड़ी से क्या होगा, घर के पर पूरे घर का राशन चल जाएगा। तो मैंने कहा देखो ये दो ककड़ी उसकी ककड़ी हैं जुलाई में, जून जुलाई की, जो पहली ककड़ी लगी हुई थी, लोग या तो देवता को चढ़ाते हैं या तो अपनी ईस्ट को चढ़ाते हैं, उसने मेरे को वो ककड़ी ईस्ट समझ के दी है, और उससे बड़ी फीस मेरे लिए क्या हो सकती है। तो वो ककड़ी की कीमत में जो है सबसे ज़्यादा फीस जो कभी मेरे को मिली है ज़िंदगी में, तो वो ककड़ी थी, छोटी सी ककड़ी जो उस गांव की बुढ़िया ने मेरे को दी थी। दूसरी परंपरा मनोवैज्ञानिक कहानी है कि कंटेनमेंट हॉस्पिटल में मैंने नौकरी करी, तो कंटेनमेंट हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड के साथ जुड़ा हुआ एक ब्लैक रूम है, काला रूम उसको इसलिए कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता था कि इसको काला रूम क्यों कहते हैं। मुझसे पहले के डॉक्टर जो रहे वो कहते थे ब्लैक रूम है, तो मेरी समझ में नहीं आया। तो एक दिन दिन के 12 बजे ओपीडी चल रही थी, उस वार्ड में ब्लैक रूम में मैंने एक मुस्लिम गढ़वाली महिला को भर्ती किया था। तो लोगों ने कहा साहब कि वो मुस्लिम गढ़वाली महिला कुछ डिफरेंट आवाज में अंग्रेजी में कुछ बोल रही है। मैं नॉन बिलीवर हूँ किसी भी चीज़ का, मैं सारे चीज़ का साइंटिफिक रीजन ढूंढता हूँ कि साइंटिफिक रीजन इसमें है क्या। मैं गया भाग करके देखने के लिए, तो मैंने पूछा उस महिला से कि मैंने कहा आप कौन हैं, तो उसने बताया एक अंग्रेजी नाम मेरे को कि मैं वो मिस्टर वो बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हैं, क्या तकलीफ आपको है। क्या कि ये जो औरत लेटी है ये मेरे बिस्तर में लेटी है। ओ मैंने कहा ये आपके बिस्तर में खुद थोड़ी लेटी है, इसको लिटाया गया है, आप ये बताइए आप हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कष्ट है। उसने मेरे को बताया कि मैं गोवा का रहने वाला था, ये हॉस्पिटल में इस सन में 1938-40 के बाद बताया उसने, मेरी मृत्यु हुई थी, मेरी मृत्यु के बाद मैं क्रिश्चियन था, तो मेरे को कोई दफनाने नहीं आया, कुछ नहीं किया, लोगों ने मेरी पुलिस ने मेरी लाश को जो है वैसी वो कर दिया, और मैं तब से ऐसी घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा आप चाहते क्या हो। मैंने कहा आप इस स्त्री के पीछे क्यों पड़े हो भाई साहब, इसकी स्थिति को मैंने भर्ती किया है इस वार्ड में, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पीछे पड़िए, इसकी कोई गलती नहीं है, अगर आप कोई हैं तो आप इसको छोड़ के जाइए। आप सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर ऐसी बात बोल रहा है नॉन बिलीवर। तो उसने बताया कि साहब कि मैं छोड़, ठीक है मेरे को आप ऐसा करिए कि उस गांव में जाइए, गोवा का एक जगह का नाम लिया उन्होंने, और गोवा के उस गांव में जाइए, उसके ग्राम जो ग्राम के चर्च के वो इंचार्ज हैं उनसे कहिएगा कि इसकी जो है वो कर दें, अंतिम संस्कार कर दें। तो मैंने कहा ये मैं करके देख लेता हूँ। तो मेरे यहाँ एक किशन बहादुर चौकीदार हुआ करता था, तो किशन बहादुर ब्रह्मचारी था, साल में एक महीना वो हमेशा देश यात्रा करने में लगाता था। उसको मैंने पैसे दिए, मैंने कहा आपकी बार तू गोवा जाएगा देश यात्रा के लिए, और गोवा जा करके इस गांव में जाएगा, चर्च के फादर से मिलेगा, कहना साहब इस नाम का आदमी था, उसका आप अंतिम संस्कार अपनी रीत के हिसाब से कर दें। तो वो गया, जा करके दिया उसने, वो किया, लेकिन उसके बाद से उस कमरे को ब्लैक रूम के नाम से ब्लैक हट गया, उसके बाद उस कमरे में कोई घटना नहीं हुई। अब इसमें मेरे सामने 3-4 सवाल उठे, पहले कि क्या एक मैं डॉक्टर हूँ, क्या मेरे को ये बात बोलनी चाहिए ताकि जनता इस चीज़ को सुने और बिलीव करने लग जाए अंधविश्वास को।
दूसरी बात, क्या वो स्त्री किसी मनोवैज्ञानिक या परावैज्ञानिक चीज से ग्रसित थी जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रही थी? अगर मनोविज्ञान उसको था तो वो रामागांव की स्त्री थी। रामागांव की स्त्री कभी किसी अंग्रेज के उसमें कैसे आई होगी? उसके जो फोर फादर थे वो फोर फादर भी कभी किसी अंग्रेज के संपर्क में नहीं रहे, तो वो जो लैंग्वेज जो बोल रही थी अंग्रेजी की, उसने सीखी कहाँ से? ये मेरे दिमाग में ये सवाल उमड़ते रहे।